हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं और मैं यहाँ पे बनाने लग रही हूँ चाउमीन बच्चे लोग के लिए। एक्चुअली मैंने ये ना वाई वाई का हक्का नूडल देखा था, तो मेरा मन था इसे ट्राई करने का। चिंग्स का हक्का नूडल ही अभी तक मैंने ट्राई किया और ऑनेस्टली बोलूँ आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस विद द क्वालिटी ऑफ नूडल्स। जबकि जो वाई वाई के जो रामन स्टाइल नूडल आते हैं वो भी अच्छे ही आते हैं, वो ज़्यादा ऐसे टूटते वूटते नहीं हैं। तो मेरा मन हो रहा था कि मैं इसको एक बार ट्राई करूँ, एंड जब मैंने पैकेट खोला तो देखा कि ये जो नूडल हैं, ये जो दूसरे हक्का नूडल आते हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा पतले हैं। और इसको मैंने पैकेट पर जो इंस्ट्रक्शन थे उसके हिसाब से कुक कर लिया है। और मेरा ऐसा है ना, कोई प्लान था नहीं कि मैं चाउमीन बनाऊंगी। मैं एक्चुअली ग्रॉसरी मंगा रही थी ब्लिंकिट से, दूध दही वगैरह थोड़ा सामान मंगा रही थी, तो मैंने वहाँ पर ये देखा तो बस एकदम ऐसे इम्पल्सिव हो गया कि मुझे ये एक बार ट्राई करना है। और रिज़ल्ट इसके अच्छे ही थे। तो इस पैकेट के पीछे सिर्फ इसे 2 मिनट कुक करना लिखा हुआ था, तो बिल्कुल उसी तरह से मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो जो इंस्ट्रक्शन थे मैंने उसको रिलीजियसली फॉलो किया। और उसके बाद मैं अभी चाउमीन पकाऊंगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मेरे इस नॉनस्टिक पैन के अंदर, और वैसे ही जैसे चाउमीन बनाते हैं बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई कर ली है। रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ जिंजर गार्लिक चॉप करके नहीं ऐड किया है, डायरेक्टली प्याज डाल करके थोड़े से भून लिए थे और फिर जो सब्ज़ी मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने ऐड कर दी है। और चाउमीन में ना काटा हुआ जिंजर गार्लिक वगैरह ज़रूर से ऐड करना चाहिए, उससे अच्छा टेस्ट आता है। बट मैं आज एक अलग सॉस भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, उस पर लिखा हुआ था कि कोई ज़रूरत नहीं है अलग से जिंजर गार्लिक वगैरह ऐड करने की, तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। सब्ज़ी वगैरह मैंने भुनी है और ये जो नूडल हैं ये ठंडे करने के बाद मैंने ऐड कर दिए हैं। नूडल जब भी आप बनाएंगे तो मतलब चाउमीन जब बना रहे हैं तो ठंडे करके ही नूडल ऐड करें, वरना वो पकाते पकाते बहुत टूट जाते हैं। और ये जो मसाला का आप सैशे देख रहे हो ये भी जो हक्का नूडल्स थे उसके अंदर ही आया था, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। और ये एक इंस्टेंट सॉस है, सॉस मिक्स है, रेडी टू यूज़ चाउमीन सॉस मिक्स है ये। ये भी मैंने मंगाया था, तो ये मैंने ऐड कर दिया थोड़ा से ही अंदाजे से। उसके ऊपर कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे कि कितनी क्वांटिटी के लिए कितना ऐड करना है, तो मैं कलर देख रही थी कि कलर ठीक लगे बस उतना ऐड कर दे। और उसके बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, सब कुछ ठीक था हल्का सा, बस मुझे ना जब खा रहे थे तो थोड़ा नमक कम फील हुआ, बाकी सॉस वगैरह का मिक्स से प्रॉपर टेस्ट आ गया था। और मैं है ना इसे फुल फ्लेम पे ही मिक्स भी करती जा रही हूँ, और फ्लेम फुल है तो थोड़ी थोड़ी इसकी भुनाई भी होती जा रही है। नूडल भूनते भूनते थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा फील ना हो कि इसमें सॉस डाला गया है, तब तक इसे भून लेंगे और बस इसे सर्व करें। एंड ये अच्छा लगा था बच्चे लोगों को, मैंने तो उतना ज़्यादा खाया नहीं, थोड़ी देर बाद हस्बैंड घर आ गए थे तो मैंने तो उनके साथ बैठ कर चाय ही पी थी, बट बच्चे लोगों को ये अच्छा लगा। और कितना इंस्टेंट हो गया ना, फटाफट से बन गया था। तो मैं चाय वाय पी कर अभी आई हूँ, तो मैं बनाने लगी हूँ डिनर। एंड बड़ी हटके आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ, नो ऑनियन नो गार्लिक, अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ले लिया है 3-4 चम्मच दही, ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं मसाले, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके ऐड कर रही हूँ मैं, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, थोड़ा क्रश कर लेना इज़ इनफ। एंड देन थोड़ा गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही जितना अच्छा आपका फेटा हुआ रहता है, जितना अच्छा स्मूथ रहता है, उससे उतना ही अच्छा करी बनता है, उसके फटने के चांसेस बिल्कुल ही मिनिमम हो जाते हैं। एक मिक्सी के जार के अंदर मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर रही हूँ, एक दो हरी मिर्ची ऐड की है मैंने, छोटी छोटी सी हैं, ये ऑप्शनल है, आपका दिल आए तो ऐड करें, मिर्ची नहीं खानी है तो ना ऐड करें। थोड़ा सा ऐड किया है मैंने जिंजर, एंड बस एक टमाटर काट करके ऐड करूँगी और ये सारी चीज़ें पीस लेनी है।
और कुकर के अंदर बनाऊंगी मैं ये सब्ज़ी। मटर अगर आपने साइड में बॉईल कर लिया है तो इसे कढ़ाई में भी बनाया जा सकता है। अभी मटर पकने लगी है तो कुकर में बनाना ही ठीक रहेगा, बिकॉज़ उसको पकाना पड़ेगा। मैंने तेल के अंदर डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, बे लीफ थोड़ी सी क्रश करके ऐड कर दी थी, और इसके बाद जो अभी टमाटर पीसा था वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको थोड़ी देर भूनेंगे, थोड़ा जो ऑयल है वो दिखने लगेगा सरफेस पे। तो अभी जो दही का जो मिक्स बनाया था वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। और दही जब भी डालें तो बस दो चीज़ों का आप ध्यान रखें, वन वो बहुत अच्छी तरह से फेट करके स्मूथ किया हुआ हो, दूसरा उसे निरंतर नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली चलाते रहें जब तक उसमें आपको बॉयल नज़र आए। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो फट सकता है। एक बार बॉयल दिखने लगेगा तो फिर हाँ, आप थोड़ा तसल्ली से सांस लेकर काम कर सकते हो। मैंने अलग बर्नर पे थोड़ा सा पानी जो है गर्म होने के लिए रखा, मतलब बॉईल ही करूँगी मैं इसे, थोड़ा नमक डाल करके, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। यहाँ पर दही उबल गई थी, उसके बाद मैंने इसे इसे छोड़ दिया था, मैंने ज़्यादा स्टर नहीं करा। और ये बहुत अच्छी से भुन चुकी है, जो दही का जो फैट कॉन्टेंट है वो रिलीज़ हो गया है। इस स्टेज पर थोड़ा सा मैं शुगर ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टमाटर भी है, थोड़ी दही है, तो वो खटास को बैलेंस करने के लिए शुगर ऐड करना ज़रूरी है। देन थोड़ी सी मैंने इसमें टमेटो प्योरी भी ऐड किया है, इससे जो ग्रेवी है उसको एक बहुत अच्छी बॉडी भी मिलेगी, कलर भी मिलेगा और टेस्ट तो आएगा ही। ये भी थोड़ी सी खट्टी ही रहती है तो इसके लिए भी शुगर ऐड करना थोड़ा सा ज़रूरी है स्वाद के हिसाब से। नमक भी मैंने यहाँ ऐड किया है, इसको भी थोड़ा पका लिया है, थोड़ा थोड़ा सा कोरमा जैसा दिखने लगा है ना, तब तक इसको पका लेंगे। अभी जो बेस ग्रेवी है वो तो हो गई है रेडी। इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ मटर, बिल्कुल कच्चे ही मटर हैं ये, धुले हुए। और मटर ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है, मतलब क्या थिकनेस आपको चाहिए उस हिसाब से। फिर ढक्कन लगा के एक दो सीटियाँ ले लीजिए जब तक कि मटर जो है पक जाएँ। तब तक पनीर की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा हट करके बना रही हूँ पनीर। मैंने पनीर को ऐसे, ये अमूल का पनीर है जो 200 ग्राम्स का एक चंक आता है, उसको चार टुकड़ों में काटा है, और चार टुकड़ों को जैसे आप देख रहे हो ऐसे बड़ा बड़ा निकाल लिया है मैंने इसके पीसेस। अभी इसको प्रोसेस करेंगे। ज़्यादातर जो कश्मीरी प्रेप्स रहते हैं ना, उसमें पनीर इस तरह बड़ा बड़ा डाला जाता है, पनीर के पसंदे भी इसी तरह से बनते हैं। तो वैसे मटर पनीर में ऐसा बड़ा बड़ा पनीर नहीं ऐड किया जाता, लेकिन अगेन चॉइस अपनी है, जब घर में बनाते हैं जैसा दिल चाहे वैसा कर सकते हैं। वैसे भी साइज़ और शेप पनीर के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, तो मैंने ऐसे ट्राई किया, अच्छा लग रहा था देखने में भी और खाने में भी। थोड़ा सा ये ज़्यादा फ्राई, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, तो फ्राइड का टेस्ट अच्छा आता है इसमें, तो आप चाहें तो इस तरह ट्राई कर सकते हो। एक बड़े से तवा के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, एंड देन ये जो पनीर के पसंदे जैसे काटे हैं हमने, इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। और ये जो पनीर को फ्राई करने का प्रोसेस है ना, ये थ्रू आउट हाई फ्लेम पे ही करें, और बहुत अच्छे गरम पैन पे ही पनीर डालें। और ये जो पानी मैंने उबाला था इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, और इसके बाद जो पनीर तैयार किया है वो भी ऐड कर दूंगी, और इसको रख देंगे अभी साइड में सोक होने के लिए, तब तक जब तक कुकर में विसल भी आ जाए और उसका प्रेशर भी ठंडा हो जाए। मैंने यहाँ पर दो सीटियाँ ले ली थी, और कुकर का जो प्रेशर है वो नेचुरली रिलीज़ हो गया है, तो मैंने फिर इसका ढक्कन खोला है। और इसके बाद अब इस स्टेज पे ये जो पनीर है, सिर्फ पनीर पनीर पानी नहीं ऐड करेंगे। पनीर मैंने ऐड कर दिया है मटर के मिक्स में, बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा ग्रेवी में पनीर के पीसेस को कोट कर लेंगे, सो दैट वो थोड़ा सा ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर लें। ये काफ़ी सॉफ्ट है इस वक्त, ज़्यादा रिगरसली इसको चलाएंगे तो हो सकता है पीसेस टूट जाएँ। ढक्कन लगा के मैं बस एक सीटी और ले लूँगी, सो दैट सारे जो फ्लेवर्स हैं, मसाले हैं, वो पनीर भी अब्सॉर्ब कर ले। मैं इसे पेयर कर रही हूँ राइस के साथ, ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये सीधे मैं अभी आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे था शानू का बर्थडे, और उसको स्कूल भेजा चॉकलेट वगैरह लेकर, दे हैड गुड टाइम। और घर में मेरी तो भाई वाटी लग गई इस दिन, पता नहीं हमारे ड्रेन से इतनी स्मेल क्यों आ रही थी। फिर मैंने बाथरूम साफ़ किए, हर एक जतन कर डाला कि चली जाए स्मेल। जब आप अपार्टमेंट जैसी जगहों पर रहते हो ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है ना बहुत कॉमन हो जाती हैं। कहीं भी किसी भी फ्लोर पर कोई समस्या होगी तो फिर उससे सभी लोग अछूते नहीं रहते, सभी को थोड़ा बहुत तो फेस करना ही पड़ता है। सारा दिन मेरा बाथरूम क्लीनिंग में निकल गया। सोच के मैं अपनी बॉडी भी लिया, इसको अंदर से मत बोलिए।
तांबुजवासी वेलासी चंद्राचू तेजस्विनी यादत्ता उदरांबरहसिके श्री मनोहरहाजनी मंत्रता भिंतिता विष्णु सत्वगे यांनी सामापासून मनोरमा लक्ष्मी भगवती और फेब्रुअरी लगते ही हमें पता था कि शानू का बर्थडे है, तो उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस बारे में हम लोग सोच रहे थे। मैंने कुछ एक ऑप्शन शानू को दिए थे कि कैसे सेलिब्रेट करना चाहोगे, लेट मी नो, मैं उस हिसाब से प्रेप करूं। देन शी वाज लाइक कि मम्मा मेरा ये स्पेशल डे है और मैं अपना स्पेशल डे अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। एक मन तो था हमारा कि पार्टी कर लें जैसे उसके क्लास के कुछ एक बच्चे और भी करते हैं, बट शी वाज़ लाइक कि नहीं, मुझे फैमिली के साथ स्पेंड करना है। और उसके चाचू इस हफ्ते यहाँ होंगे ये भी लाइकली था, बट देन उनको काम था तो वो चले गए वापस। तो फिर हम लोग यहाँ घी गुड़ नाम का एक ये जॉइंट है और ये इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, ये बिल्कुल वेजिटेरियन है, तो हम लोग यहाँ आ गए। पहले हम लोग कई सारे प्लेसेस कॉन्टम्पलेट कर रहे थे, बारबेक्यू नेशन ये वो, लेकिन फिर वही है कि वेज के साथ नॉन वेज भी सर्व होता है और फिर वो देखकर मम्मी का दिल विचलित हो सकता है, इसलिए हम लोग फिर प्योर वेज ये वाला एक स्पॉट है यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर है ना गुजराती, काठियावाड़ी, राजस्थानी स्नैक्स, स्टार्टर, उस तरह के बुफे स्टाइल का जो स्प्रेड होता है, मतलब सेल्फ सर्व होता है, आप काइंड ऑफ अनलिमिटेड होता है, तो आपको जो जैसे दिल चाहे वो आप वैसे खा सकते हो। आई मेट अ स्वीट सब्सक्राइबर ऑफ माइन, उन्होंने मुझे पहचाना, वो आकर मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद खा पी कर बातें बातें करके वी स्पेंड अ रियली गुड टाइम देयर, उसके बाद हम लोग चल पड़े हैं वापस घर की तरफ। और हम लोग घर पहुँचे तो यहाँ पार्किंग में एक कार के ऊपर बिल्ली बैठी हुई थी और मेरी बेटियों को छोटी, मतलब बिल्लियाँ तो खैर किसी भी साइज़ की, वो तो कितनी भी बड़ी हो तो भी उनका साइज़ तो छोटा ही रहता है, पर डॉगी जो होते हैं, मतलब पपीज़ छोटे छोटे जो होते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने उन्हें कहा भी थोड़ा दूर से देखो, बट दे कुड नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स, उनकी एक्साइटमेंट को वो कंटेन नहीं कर पाते, उन्हें बस अच्छी तरह से कैट को देखना है। शानू तो वॉज़ लाइक कि मुझे कैट दे दो मेरे बर्थडे पे, वो लोग मुझे ना तरीके ढूंढती रहती हैं मुझे कन्विंस करने के कि मैं किसी तरह उन्हें पेट ले दूं, बट पेट के अपने बहुत सारे काम हैं, दूसरा आई एम नॉट अ पेट पर्सन, वो दोनों जब जिम्मेदारी लेने लायक हो जाएंगी तो शायद पेट ले लेंगे। तभी केक भेजा था शानू के चाचू ने, तो हम लोग वापस आते हुए ये प्लानिंग में था कि केक लेते हुए आएंगे, बट चाचू ने ऑलरेडी भेज दिया था केक तो फिर नहीं लाए, और स्पेलिंग मिस्टेक है, शानू बहुत नाराज़ थी अपने चाचू से। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sanvi, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you dear Sanvi. अब खा, हाँ शिवांशी को भी केक खिला दे, शिवांशी को खिला दो केक, शिवांशी ये लो, शिवांशी आ, ओ शिवांशी आ कर, आ फोन में लगा दिया।
पापा के नाम से देखती है एकदम पापा 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 के नाम से देखती है फिंगर डेडी फिंगर चलो ठीक है बेटा शानू का गिफ्ट वाह वाह नहीं है अनमोल चीज है बहुत बढ़िया शाबाश सुंदर हां जी बहन बड़े मामा को दिखा दे बहुत बढ़िया मैडम बहुत अच्छे अच्छे ये तो आपका ही जैसे थोड़ा बहुत आपकी बात है ना थैंक यू पापा थैंक यू लामे पहनाएगा हाँ